अब बात करते हैं पन्ना की, जहां चुनावी सरगर्मियां देवेंद्र नगर के हर वार्ड में तेज होती देखी जा रही है। वार्ड 3 में भी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां बीजेपी ने पूर्व पार्षद रहीसा बेगम पर दाव खेला है, तो कांग्रेस ने रूबीना उस्मानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिमरी परिवार से रजनीश कुमारी ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह से और जाने माने पत्रकार अंकित गुप्ता की माता ममता देवी चुनाव चिन्ह बरगद के पेड़ से अपना दावा ठोक रही हैं। शिक्षित और मुस्लिम बाहुल्य वार्ड होने के कारण प्रत्याशियों को समीकरण बैठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगे प्रत्याशियों में से ममता देवी ने अपने प्रचार में मुद्दों और संकल्प को जोड़कर वार्ड की जनता में चर्चा का विषय बना दिया है। लगातार सघन जनसंपर्क और वादों से भरे प्रचार पत्र से जनता का झुकाव बरगद के पेड़ यानी ममता देवी की तरफ साफ नजर आने लगा है। वार्ड 3 की जनता किसी अपना पार्षद चुनेगी ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक के जनमत के आधार पर ममता देवी अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से काफी आगे नजर आ रही हैं। विराट 24 के लिए पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।